सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फ्रेश होते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है तुम लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। रोड टू मसलमेनिया एपिसोड आई थिंक 4, हाँ एपिसोड 4, याद नहीं है, बहुत दिन पहले एपिसोड बनाया थी। तो अभी फ़िलहाल आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, श्रावण का महीना चल रहा है तो बहुत सारे मेरे भाई हैं जो नॉनवेज नहीं खा सकते, वेज खाना चाहते हैं बल्कि मैं, तो आज पूरा दिन मैं वेज डाइट तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। चैनल ये वीडियो होगा पूरा डाइट के ऊपर। और हाँ, एक और अपडेट देने के लिए मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दादी को तुम जिस लोगों ने देखा है मेरा लास्ट वाला वीडियो, दादी का फाइनल स्टेज चल रहा है, तो दादी की तबीयत सही नहीं हुआ है, बैड न्यूज़ है। और दादी को आज डॉक्टर के पास लेके गए हैं चेकअप के लिए, तो इसीलिए मैं आज ब्लॉग बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ घर में, ठीक है। तो फ़िलहाल चलो यही था अपडेट देने का। महादेव जाने क्या करेंगे दादी के साथ। और फ़िलहाल भाई लोग, तुम लोग दुआ करना मेरे दादी के लिए, ठीक है। बहुत सारे भाई और मेरे बहुत सारे दोस्त ने भी बोला है, भाई तेरे ग्रैंड मदर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, सही हो जाए जल्दी से। थैंक यू सो मच। और मेरा गला भी बैठ गया, थोड़ा ठंडा खा लिया था, ठीक है। और बॉडी का हालत सही नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से डाइट नहीं हो पा रहा, जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बिना कोई देरी के तुम लोगों को फर्स्ट मील दिखाते हैं, ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट देने से पहले मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ विटामिन सी का 1000 mg का टैबलेट, ये इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो मैं विटामिन सी ले रहा हूँ क्योंकि अभी बल्किंग में हूँ ना, तो क्या होता है ना, बॉडी में कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, बॉडी। और अभी मेरे पास कोई फ्रूट सोर्स ऐसा नहीं है विटामिन सी रिच, मतलब बहुत महंगा आ रहा है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है विटामिन सी फ्रूट का। जैसे ऑरेंज हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा हो गया एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये और तुम्हारा ये भी हो सकता है वाटरमेलन, तो ये सब विटामिन सी रिच फूड है, फ्रूट्स हैं, तो अभी अवेलेबल नहीं है, होगा भी तो बहुत महंगा आ रहा है। तो इसलिए मैं अभी विटामिन सी का टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 1000 mg का है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ले सकते हैं। और पहले ही मैं बोल रहा हूँ ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। सो इसके 15 मिनट के बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट लूँगा, ठीक है। सो भाई लोग, यहाँ पे है 100 ग्राम रॉ ओट्स, रोल्ड ओट्स हैं, और उसके साथ है 10 ग्राम चिया सीड्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा मील होगा उसमें होगा मेरा प्रोटीन ओट्स, ठीक है। और मैं, तुम लोगों को मालूम है मैं वेगन प्रोटीन यूज़ करता हूँ, और आज मेरा वेगन प्रोटीन का डब्बा भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट एक स्कूप ही अगर होगा शायद, मेरे को जितना लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल चलो इसको कुक करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट लगेगा। उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं प्रोटीन ओट्स में। सो भाई लोग, ये है मेरा लास्ट स्कूप ऑफ प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। और इसके अंदर देखो यहाँ पे पीनट बटर है और 9 आलमंड्स हैं, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे फ्रूट्स है 100 ग्राम के तरफ, मतलब एक गुआवा है और एक, इसको क्या बोलते हैं, पर्ल, एक पर्ल है बस, ठीक है। तो यही है, और उसके साथ में थोड़ा सा ऐड करूँगा सीड्स, मिक्स सीड्स है, ठीक है, ठीक है। ये है मेरा मील। मैक्रोस तुमको स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन में मैक्रोस चेक कर लेना, स्क्रीन के साइड में मैक्रोस आ जाएगा। चलो इसका फिनिश करते हैं, उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ा सा दिखाऊँगा तुम लोगों को क्योंकि आज तो एक्सरसाइज करना है नहीं, आज पूरा ब्लॉग ही है फुल डे फीडिंग के ऊपर। तो चलो इसको फिनिश करते हैं बिना देरी के, बहुत लेट हो गया, 11 बज चुके हैं, ये भूख भी बहुत लगा है, चलो फिनिश करते हैं इसको। सो भाई लोग, मैंने हमारा कुछ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये बाइसेप का मेरा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, लास्ट मतलब एक ही एक्सरसाइज मैंने किया है 100 रेप्स का, मतलब 10 10 10 by 10, ठीक है। तो ये मैं महीने में एक बार करता हूँ, ठीक है, हर महीने में, क्योंकि ये बाइसेप को शॉक देने के लिए, बाइसेप छोटा मसल है, उसको ज़्यादा मैं लोड नहीं डालता, ठीक है। और मैं ज़्यादातर करता हूँ क्या, कम वेट में रिपीटेशन ज़्यादा मारता हूँ। पहले जब मैं वेट लेकर मारता था तब मेरा बाइसेप ग्रो नहीं होता था, ठीक है। हाँ, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने हिसाब से देखो, पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके देख लेना कि बाइसेप ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली होगा, बट मेरे को इफेक्टिव लगता है ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब रिपीटेशन ज्यादा। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड में 10 रिपीटेशन तक रहा, मैं चाहता हूँ 15 to 18 रिपीटेशन तक, ठीक है। तो फिलहाल चलो ये मेरा लास्ट सेट चल रहा है, 10 सेट है, कम्प्लीट कर देना। चलो वेट ज्यादा नहीं है, 15 kg से लास्ट सेट। बाइसेप का सेकंड एक्सरसाइज होगा हैमर कर्ल। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा हेवी जाऊंगा, अगर मेरा पोस्चर गलत हो रहा है तो जज मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा हेवी मारता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है हैमर कर्ल हेवी मारना चाहिए। ठीक है, तो फिर जाकर तुम्हारे बाइसेप में अच्छा खासा पंप आएगा। तो फिलहाल मैं मार रहा हूँ 15 kg 12 kg। ठीक है, ईच हैंड। Working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money. Things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you're stuck and take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away, away from me. And I know you think you're stuck and take advantage. But it hasn't worked out like you fucking planned it. 'Cause I know my worth, you can't take that away. तो भाई लोग, ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है 300 ग्राम रॉ मिक्स दाल। ठीक है, मतलब 5 से 6 रकम का जो दाल है ना, 5 to 6 वेराइटीज ऑफ दाल, उसको मैंने जस्ट नॉर्मल घी में कुक किया है, 5 से 6 ग्राम घी में। और कुछ नहीं, यहाँ पे 2 रोटी है और यहाँ पे थोड़ा टेस्ट के लिए मैं भुजिया खा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भुजिया खा रहा हूँ, इसका सब सोचेंगे ये तो बैड कैलोरीज है, ये जस्ट फॉर टेस्ट के लिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि फीका फीका लग रहा है और कुछ है नहीं। और हाँ, यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 60 ग्राम तक प्रोटीन मिल रहा है। 300 ग्राम दाल है, पर 100 ग्राम दाल में 20 ग्राम प्रोटीन है, तो 60 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, और रोटी से भी मिल जा रहा है प्रोटीन 5-6 ग्राम। ठीक है, चलो फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को डायरेक्ट मिलूँगा डिनर में। ठीक है, सो भाई लोग, रात के डिनर के लिए मैं बना रहा हूँ आज चिली पनीर। साथ में रहेगा मेरा 4 to 5 होल व्हीट रोटी। ठीक है, और उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा फाइबर्स वगैरह लूँगा, जैसे स्पिनिच हो गया और लेटेस्ट लीफ हो गया। ठीक है, तो फिर चलो इजी चिली पनीर रेसिपी बनाते हैं। उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ठीक है, जब तक गर्म ना हो जाए तेल, तब तक इसको गर्म करेंगे हम हाई फ्लेम में। ठीक है, देख लो हाई फ्लेम में गर्म करेंगे। ठीक है, और अभी हम ऐड करने वाले हैं कैप्सिकम, इसको शिमला मिर्च बोलते हैं, जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं। और यहाँ पे ऑनियन है, 1 ऑनियन, साथ में है लहसुन और मिर्ची। ये मिर्ची तो अभी पनीर से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। फिलहाल चलो इसको ऐड करते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। ठीक है, करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और अभी ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। और अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट। फिर इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। और अभी हम ऐड करने वाले यहाँ पे 200 ग्राम पनीर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 200 ग्राम पनीर है। अभी इसमें दोबारा ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, फिर से थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और फिर से थोड़ा सा हिमालयन मसाला। पनीर पक रहा है तो उसके लिए हम बनाएंगे एक मतलब पाउडर का मसाला, मतलब ये पनीर चिली मिक्स मसाला मिक्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पानी में ऐड करेंगे, पूरा नहीं, आधा पैकेट डालना। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इतना सा काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी इस मसाले को ऐड करते हैं पानी में, हाफ ऐड करना। ठीक है, पनीर भी पक चुका है, अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये 15 रुपये का छोटू केचप। ठीक है, पूरा ऐड करते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसमें केचप ऐड किया, क्योंकि मैं इंजीनियरली टमाटर प्यूरी जो होता है ना वो ऐड करता हूँ, मतलब बहुत सारा टमाटर को मैं मिक्स में मिक्स करके उसके बाद जो उसका लिक्विड बनता है उसको मैं ऐड करता हूँ। बट अभी टमाटर का प्राइस तुम लोगों को मालूम ही है भाई, 450 रुपये किलो हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं अभी केचप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लेवर के लिए। ऐसे मैं टमाटर प्यूरी यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं वाला लिक्विड। ठीक है, जो मैंने बनाया अभी इसमें ऐड करने वाले हम इस जो ग्रेवी है। ठीक है, जो ग्रेवी है ना, इसमें हम इसको थिक करने के लिए, मतलब इसमें थिकनर ऐड करने के लिए हम नेचुरल थिकनर ऐड करेंगे, वो है तिल। ठीक है, वाइट तिल है ये। सो इसको हम इतना तक लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे पनीर के ऊपर। तो इससे क्या होता है ना, ये ग्रेवी बनता है, ग्रेवी थोड़ा थिक बन जाता है। मतलब ये अगर तुम बाहर से बनाओगे तो बाहर में विनेगर डालेगा, और तुम्हारा बहुत सारा कलर्स वगैरह डालते हैं। नहीं, मैं देखो कि कलर्स वगैरह भी कुछ नहीं है, और जस्ट एक मसाला है, चिली पनीर मसाला, और उसके साथ मैंने केचप ऐड किया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये रेडी हो ही चुका है, अभी इसको उतार देंगे हम। हो ही गया है। ठीक है, तो फिलहाल तो भाई लोग, यहाँ पे मैंने 5 रोटी की जगह 6 रोटी लिया है, क्योंकि मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था अभी। ठीक है, तो मैंने 5 रोटी की जगह 6 रोटी लिया है। तुम लोग अपने अपने हिसाब, कैलोरी के हिसाब से हिसाब कर लेना। और यहाँ पे है तुम्हारा रॉ स्पिनिच 100 ग्राम। ठीक है, फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर सिर्फ रोटी में मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और बाकी यहाँ पे शिमला मिर्च में थोड़ा फाइबर मिल रहा है, पनीर में कोई फाइबर नहीं होता, तो फाइबर के लिए मैं स्पिनिच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ भाई लोग, तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना कि रोटी अगर किसी को सूट नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम आता है ना, तो तुम लोग राइस भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने सोचा 6 रोटी का मेरा कैलोरी आ रहा है अप्रोक्सीमेट 550 कैलोरीज, तो तुम उसके हिसाब से वाइट राइस या ब्राउन राइस ले सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। मैंने तुम लोगों को जस्ट मील दिखा दिया है, वेजिटेरियन मील, वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग मील। ठीक है, और भाई लोग चलो इसको हम फिनिश करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर रेसिपी पसंद ना आए, मतलब तुम लोगों को टेस्ट पसंद ना आए, तो भाई कमेंट में आके तुम गाली दे सकते हो मेरे को। ठीक है, इतना मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, गाली दे सकते हो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, बट रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और इजी टू कुक रेसिपी है। ठीक है, चलो भाई लोग, तुम लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल एंड पीस।